जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदापि गरीयसेते। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदापि गरीयसी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिन यानी रविवार को मातृ दिवस था। जन्म देने वाली संसार की सर्वश्रेष्ठ जन्मदाता सभी माताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्वानों ने कहा है कि संसार में पुत्र धन संपत्ति बहुत कुछ होती है, परंतु इनसे भी बढ़कर है तो जन्म देने वाली माँ और मातृभूमि, इसे स्वर्ग से भी बढ़ के बताया है। पुनः आप सभी दोस्तों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे। आज सोमवार है और आज हम अपनी क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। मैं इंजीनियर भरत शर्मा आप सभी का अपनी YouTube चैनल GSM SSC क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बहुभुज की अगली क्लास को लेकर चल रहे हैं और बात करते हैं डायगोनल की, विकर्ण की, कि विकर्ण किसे कहते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि डायगोनल किसे कहते हैं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर आ चुके हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हाँ, और जो भी अभी आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आपका ये होता है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसमें चार भुजाएं होती हैं। पंचभुज किसे कहते हैं, पेंटागन किसे कहते हैं, जिसमें पांच भुजाएं होती हैं। इसके बाद आप बात करेंगे कि हेक्सागन किसे कहते हैं। हेक्सागन का अर्थ होता है जिसमें छह भुजाएं होती हैं, अर्थात एक ऐसी आकृति जिसमें छह भुजाएं होती हैं। ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना क्यों चाहता हूं, क्लियर दिखा रहा होगा। मैं आपको सबसे पहले यही बताना क्यों चाहता हूं कि डायगोनल किसे कहते हैं, अर्थात विकर्ण किसे कहते हैं। तो जब भी कोई आकृति बनाई जाती है तो वहां पर दो भुजाएं एक दूसरे को मिला देती हैं, अर्थात जैसे कि एक भुजा ये और एक भुजा ये यहां मिल रही है, इबाली भुजा और इबाली भुजा यहां मिल रही है, इबाली भुजा यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है। अर्थात दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे आप इसका ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि यहां पर आपकी वन साइड ए हो गई और एक ए हो गई, एक ए हो गई, एक ए हो गई और एक ए हो गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, जब भी दो भुजाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु को ऐसे ही किसी दूसरे बिंदु तक खींचा जाए, तो उस बिंदु को ऐसे ही किसी दूसरे बिंदु तक खींचा जाए तो वह एक भुजा के अतिरिक्त अन्य रेखा प्राप्त होनी चाहिए। भुजा के अतिरिक्त कोई अन्य रेखा प्राप्त होनी चाहिए, उसे आप विकर्ण कहते हैं। जैसे कि मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर खींचूंगा तो यही भुजा आ गई, यहां पे ये साइड ही आ गई, ये साइड ही आ गई। अगर मैं इसको यहां तक भेजूंगा तो साइड ही होगी, यहां भेजूंगा तो साइड होगी, पर यहां भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर इसको इससे मिलाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। यानी कि तीन भुजाओं की आकृति कभी भी विकर्ण का निर्माण नहीं करती, तीन भुजाओं की आकृति कभी भी विकर्ण का निर्माण नहीं करती, इस बात का ध्यान रखना है। विकर्ण किससे मिलकर बनता है, विकर्ण दो बिंदुओं से मिलकर बनता है। तो आप देख पा रहे हैं तीन भुजा की आकृति ने विकर्ण का निर्माण नहीं किया। यहां पर साइड कितनी है, भुजा कितनी है, चार, तो विकर्ण कितने होंगे, डायगोनल कितने होंगे बेटा, दो। आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर साइड कितनी है, बोले साइड आपकी गुरुजी फाइव है, पांच भुजाएं हैं, तो इसमें डायगोनल कितने होंगे, इसमें विकर्ण कितने होंगे, जल्दी से हम विकर्ण की चर्चा करते हैं, डायगोनल की चर्चा करते हैं। तो देखिए कि गिनिएगा, एक दो, एक या तीन, एक यहां चार और एक यहां पांच, यानी कि इसमें डायगोनल भी कितने हो गए, विकर्ण भी कितने हो गए, पांच हो गए। किसी भी पेंटागन फिगर में साइड फाइव होती हैं तो इसमें डायगोनल भी फाइव होते हैं, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि वास्तविकता में डायगोनल पांच ही होते हैं। गिनो दोबारा, गिनिएगा दोबारा,
लीजिएगा, देखे बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, ऐसे आप देख रहे हैं हेक्सागन आकृति है, ये छह भुजाओं से बनके मिली हुई है। तो बेटा इसमें भुजाएं कितनी हैं? छह। साइड कितनी है बेटा इसकी? सिक्स है। तो इसमें विकर्ण कितने होंगे, डायगोनल कितने होंगे, विकर्ण कितने होंगे? तो देखिएगा, ये यहाँ पर जॉइंट है जो एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, तो इनके विकर्ण देखिएगा, नंबर एक दो तीन चार पाँच छः सात, मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ से देखिएगा, दो एक आठ, ये बन गए तीन। यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा तो बेटा भुजाई मिलेगी, यहाँ से यहाँ साइड मिलेगी, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक तीन ही हो गए। यहाँ से मिलाऊंगा तो देखिएगा तीन ही हो गए, इधर इधर मिलने का कोई कॉलम नहीं है। यहाँ से मिलाऊंगा तो आप देखिएगा यहाँ से ये तो मैं काउंट कर चुका हूँ, ये मैं बेटा काउंट कर चुका हूँ, तो गिन लीजिएगा, तीन तीन छः, ये वाला काउंट हो गया, ये वाला सात और ये वाला आठ, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसकी बात करूंगा, तो वाला ये तो मिल गए, ये वाला नौ, यानी कि हर एक पॉइंट से तीन तीन विकर्ण होना चाहिए, हर एक पॉइंट से तीन तीन विकर्ण होना चाहिए। और इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? नाइन। विकर्णों की संख्या कितनी होगी? नाइन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैंने आपसे बताया कोई भी आकृति भुजाओं से मिलकर बनती है, और दो भुजाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं, उन बिंदु बना लीजिएगा, और जब उन बिंदुओं को आपस में मिलाया जाएगा तो भुजा के अतिरिक्त कोई अन्य रेखा खींची होनी चाहिए, जैसे साइड को छोड़ के ये अन्य रेखा खींची होनी चाहिए, तो उन्हें हम डायगोनल कहते हैं, उन्हें हम विकर्ण कहते हैं। अब बात आएगी कि विकर्ण बेटा निकालेंगे कैसे, तो मैंने आपको बताया कि छह भुजा की आकृति में नौ विकर्ण होते हैं, पांच भुजाओं की आकृति में पांच विकर्ण होते हैं, चार भुजाओं की आकृति में दो विकर्ण होते हैं, तीन भुजाओं की आकृति में कोई विकर्ण नहीं होता। आपके मन में एक बात आएगी कि गुरु जी, यहाँ पर आपने चार पाँच छः भुजाओं की बताई, चलो हम छः भुजाओं तक तो रट के ले जाएंगे, अगर भुजाओं की संख्या अधिक आ गई तो हम कैसे निकालेंगे? अगर भुजाओं की संख्या अधिक आ गई तो हम विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिएगा अब मैं आपको बताता हूँ इसका फॉर्मूला, कि यदि भुजाओं की संख्या दी हो तो डायगोनल विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो आप देखिएगा, फॉर्मूला होता है n, n माइनस थ्री अपॉन टू, ये होते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्ण की संख्या। n क्या होती है? n होती है यहाँ पे भुजाएं, n क्या है? नंबर ऑफ साइड भुजाएं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डायगोनल विकर्ण किसे कहते हैं? तो विकर्ण होता है n n माइनस थ्री अपॉन टू, अर्थात आप ये कह लीजिएगा कि विकर्ण जो आपका होता है n n माइनस थ्री अपॉन टू, अर्थात n होता है भुजाओं की संख्या। तो आप इसका नोट भी लिख सकते हो कि n जो होता है भुजाओं की संख्या होती है, अगर इसमें से हम तीन घटा दें, अगर तीन माइनस कर दें और दो का भाग दे दें, तो आपकी डायगोनल की संख्या निकल आएगी। कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे भुजा थी चार, तो मैंने देखो चार लिखा n, चार में से तीन घटाया तो एक बचेगा, दो का भाग दे दिया, दो दूनी चार दो। अगर आपके मन में ये आती है कि यहाँ पे तीन क्यों घटाया, तो मैंने तीन इसलिए घटाया क्योंकि तीन भुजाओं की आकृति विकर्ण का निर्माण नहीं करती। आप कहोगे दो का भाग क्यों दिया, तो आपको बता दूँ कि विकर्ण हमेशा दो बिंदुओं से मिलकर बनता है, इसलिए दो का भाग दिया। ठीक है, आपको पता पड़ा विकर्ण यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे विकर्ण निकालेंगे, भुजा कितनी है पाँच, तो पाँच, पाँच में से तीन घटाओगे कितनी बचेंगी, दो बटे दो, दो का दो से कट गया, क्या बचा पाँच। यहाँ भुजा कितनी है छः, छः, एन माइनस थ्री, छः में से तीन जाएगा, क्या बचेगा तीन बटे दो, दो ती है छः, तीन त्रिक नौ, यहाँ पर विकर्ण आ गए नौ। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर भुजाओं की संख्या दी हो तो उसमें से भुजाओं की संख्या लिखो, फिर तीन घटाओ और फिर दो का भाग दे दो, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसे याद रखिएगा।
जल्दी से फॉर्मूला लिख लें और मैं प्रश्नों की ओर बढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी अभी अभी आए हैं, वो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूल लें, लाइक जरूर करें। इसे कॉपी करने की आवश्यकता नहीं थी, केवल और केवल फॉर्मूला कॉपी करने की आवश्यकता है। एन क्या है? भुजाओं की संख्या। चलेगा, मैं पहला प्रश्न लिखता हूं। देखिएगा पहला प्रश्न, सम नवम बहुभुज में कुल विकर्णों की संख्या क्या है? क्या है ये लीजिएगा। आपका अगला वाला प्रश्न जो आपका लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है सम नवम भुज, यानी कि भुजा कितनी है आपकी? 9। भुजा कितनी है आपकी? 9। साइड कितनी है आपकी? 9। आपकी भुजा 9 है तो बताइए विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या क्या होगी? साइड कितनी है आपकी? 9। चलेगा, यहां देखें। इसके बाद में बात करूंगा उस अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, जब तक आप जवाब दीजिएगा। उस आकृति में मैं विकर्णों की संख्या क्या होगी जहां भुजाओं की संख्या 18 हो। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि प्रश्न पूछ रहा है कि उस आकृति में विकर्णों की संख्या कहां क्या होगी जहां भुजाओं की संख्या कितनी हो? 18 हो। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी और प्रश्न भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिएगा दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस प्रश्न को मैं करा देता हूं। भुजाओं की संख्या कितनी दी है? 9। तो एन एन माइनस 3 9 लिखिएगा। 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 2 का भाग, 2 का 2 3 6 9 3 27। विकर्ण कितने हो गए? डायगोनल कितने हो गए? 27। ठीक है, मैं और भी खूबसूरत प्रश्न बोलूंगा, जल्दी से आप इसे करिएगा और इन्हें कॉपी करिएगा, फटाक से कॉपी करिएगा सभी विद्यार्थी। दिखाई आपको क्लियर दे रहा है? बहुत ही सुंदर दिखाई भी क्लियर दे रहा है आपको, बहुत ही अच्छा। जल्दी करिएगा, वॉइस भी क्लियर आ रही है। जो भी बच्चे अभी अभी आए, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और इन प्रश्नों पर ध्यान दें। थोड़ा नंबर ऑफ डायगोनल्स विकर्ण कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं, जब भुजाओं की संख्या दी हो तो। चलिए और भी खूबसूरत प्रश्न दूंगा, देखता हूं कैसे कौन कर पाता है। उस आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगी जहां भुजाओं की संख्या 18 हो। भुजा कितनी दी है? 18। तो बेटा एन बराबर दिया है 18। तो बेटा एन कितना है? 18। एन माइनस 3, 18 में से 3 जाएंगे, आप देख लीजिएगा भाई साहब कितना बचेगा, घटाइएगा भाई साहब जल्दी। 18 में से 3 जाएंगे, बताइए कितना बचेगा? ये बटे 2। तो इस प्रकार से एन एन माइनस 3 18 भुजाओं की संख्या है। 2 नाम 18, 15 नम्बे 135, 15 नम्बे 135, ये विकर्णों की संख्या हो गई, ये डायगोनल्स की संख्या हो गई। क्लियर? ये विकर्णों की संख्या हो गई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखेगा, बोलू लिखेगा, उस सम बहुभुज आकृति में, उस सम बहुभुज आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगी? उस सम बहुभुज आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगी? उस सम बहुभुज आकृति में विकर्णों की संख्या क्या होगी? क्या होगी जिसमें 23 अंताकोण हैं, जिसमें
23 अंता कौन हैं? 23 अंता कौन हैं? विकर्णों की संख्या क्या होगी जिसमें 23 अंता कौन हैं? करिएगा, जवाब दीजिएगा। चूंकि आपको पता होगा कि अगर 23 अंता कौन हैं तो भुजाएं भी कितनी होंगी? 23 होंगी। भुजाएं भी कितनी होंगी? 23 होंगी, 23 होंगी। देख लीजिए, ये देख लीजिए, जल्दी करिएगा, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। भुजाएं 23 है, फॉर्मूला होता है एन एन माइनस 3 अपॉन 2, यहां से आपके डायगोनल निकलते हैं। तो बेटा भुजा कितनी दी है? 23, एन दिया है 23, एन माइनस 3, 23 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा? 20 बटे 2, 2 से काटोगे 10, 10 का हो जाएगा 230, ये आपके डायगोनल से आ गए, विकर्ण आ गए। एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा प्रश्न, शायद आप इसका जवाब दे पाएंगे, और अगर दे पाएंगे तो मुझे खुशी होगी, चलेगा। कॉपी कर लें आप। देखिएगा, हटा दूं, लिखेगा क्वेश्चन। उस समबहुभुज आकृति बाय द वे कोई बच्चा प्रश्न नहीं लिख रहा या डायरेक्ट सॉल्व कर रहा है तो घबराए ना, पीछे लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस समबहुभुज आकृति के सभी अंता सभी विकर्णों की संख्या क्या होगी? उस समबहुभुज आकृति के सभी विकर्णों की संख्या क्या होगी उस समबहुभुज आकृति के सभी विकर्णों की संख्या क्या होगी जिसमें एक बाह कोण का मान 20 डिग्री हो, नहीं नहीं 30 करो, जिसमें एक बाह कोण का मान 30 डिग्री हो, एक बाह कोण का मान 30 डिग्री हो, इसे करके बताओ। एक बाह कोण का मान, तीस डिग्री हो, उस समबहुभुज आकृति के, दोबारा बोल रहा हूं सुन लो, उस समबहुभुज आकृति के सभी विकर्णों की संख्या क्या होगी जिसके एक बाह कोण का मान 30 डिग्री हो, जिसके एक बाह कोण का मान 30 डिग्री हो। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, करेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जब एक बाह कोण का मान 30 डिग्री दिया है, आज बेटा बाप की बहुभुज की लास्ट क्लास होगी, कुछ और भी अच्छे लेवल के प्रश्न रह गए हैं, उन्हें मैं अभी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम सारे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, हर प्रकार के हर वर्ग के प्रश्न पर चर्चा करते हैं, पर यहाँ पर एक बाह कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। तो भुजाएँ कैसे निकालेंगे? एक बाह कोण दिया है 30 डिग्री, तो भुजाएं 360 में 30 का भाग देंगे, 0, 3 से कट जाएगा 12। एक बाह कोण का मान दिया है 30 डिग्री, तो भुजाएं कैसे निकालेंगे? 360 में 30 का भाग देंगे, 0, 12। भुजाएं कितनी आ गई? 12। आपको मैंने बताया है कि 360 बाह कोणों का योग होता है, अगर एक बाह कोण का भाग दो तो भुजाएं निकलती हैं। अभी भुजाएं आ गई तो आप आराम से विकर्ण निकाल सकते हो। देख लीजिएगा, 2 से काटोगे 6, 54, 6 नाम 54, 54 विकर्ण बोलेगा, निकाल सकते हैं।
बोलिएगा, निकाल सकते हैं, कॉपी कर लें। अगर एक बाह कोण दिया है तो उसका 360 में भाग देके भुजाएं निकालो, फिर आप भुजाएं निकाल के डायगोनल निकालो, विकर्ण निकालो। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न हो गया है। चलो ऐसा एक प्रश्न और बोलता हूं, यदि एक बाह कोण का मान 10 डिग्री हो, यदि एक बाह कोण का मान 10 डिग्री हो, यदि एक बाह कोण का मान 10 डिग्री हो तो उस आकृति के कुल कितने विकर्ण होंगे। एक बाह कोण का मान 10 डिग्री हो तो उस आकृति के कुल कितने विकर्ण होंगे, उस आकृति के कुल कितने विकर्ण होंगे, उस आकृति के कुल कितने विकर्ण होंगे। करिएगा, देखिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रतीक्षा में हूं, आप जवाब दीजिएगा। चलिए, हो चुका होगा ऐसी आशा है। तो बाह कोण का मान, एक बाह कोण का मान 10 डिग्री दिया है तो 360 में मैं 10 का भाग दूंगा तो आपकी ये भुजाएं आ गई 36। आपकी भुजा आ गई 36 तो विकर्ण कितने होंगे, 36n-3, 36 में से 3 घटा दोगे कितने बचेंगे, 33/2। n कितना है 36, 36 में से 3 घटा दोगे तो 2 से काटूंगा 18, इन दोनों का गुणा कर देना, 18 3 54 की 4 हासिल 5, 18 3 54 और 59 कर लेना आराम से, ठीक है, आराम से कर लेना। इस टाइप का एक लास्ट और खूबसूरत सा प्रश्न, चलेगा, बोल दूं, किसी सम बहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान, किसी समबहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान, किसी समबहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान, एक अंता कोण का मान 60 डिग्री है, किसी समबहुभुज आकृति के एक अंता कोण का मान 60 डिग्री है तो इस आकृति में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो इस आकृति में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो इस आकृति में कुल कितने विकर्ण होंगे, कितने विकर्ण होंगे। चलो एक अंता कोण का मान दिया है 60 डिग्री, एक अंता कोण इंटरनल एंगल बोलते हैं इसको, वन इंटरनल एंगल का मान दिया है 60 डिग्री तो पूछ रहा है कि डायगोनल की नंबर्स क्या होगी, विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो अंता कोण दिया है 60 तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बोलिएगा, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, एक अंता कोण दिया है 60, एक अंता कोण दिया है 60 तो बाह कोण निकालोगे, क्यों, क्योंकि जब तक आपका बाह कोण नहीं निकलेगा तब तक आप भुजाएं नहीं निकाल सकते, क्योंकि किसी भी आकृति में डायगोनल की संख्या निकालने के लिए साइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको पता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, अंता कोण और बाह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए अंता कोण 180 में से घटा दिया तो बाह कोण बचेगा 120। एक बाह कोण कितना आ गया, 120 आ गया। बहुत से विद्यार्थी क्या करेंगे कि 360 में इसी 60 का भाग दे देंगे तो भुजाओं की संख्या 6 आ जाएगी, जो कि गलत है। 360 डिग्री में अंता कोण का भाग नहीं देते, बाह कोण का भाग देते हैं तो भुजाएं कितनी आ जाएंगी, 3। आपको पता होना चाहिए यदि भुजाएं 3 आ गई
साइड अगर तीन आ गई आपकी, थ्री आ गई, तो अब आप खुद ही समझदार हो। अब बाकी आप खुद ही समझदार हो, अगर साइड आपकी थ्री है, भुजाएं आपकी अगर तीन है, तो विकर्ण कितने निकलेंगे? जीरो, डायगोनल जीरो होंगे, विकर्ण जीरो होंगे। देख लीजिएगा। अच्छा, एक प्यारा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं, अब इसको रब कर दो, चलेगा, कॉपी कर लो, उसके बाद रब करता हूं। इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखूंगा, बार बार यही कहूंगा, जो भी विद्यार्थी अभी अभी आए वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद, इतना सहयोग करें, सपोर्ट करें। चलेगा, बहुत जल्दी वीडियो अपन खत्म करेंगे, 30-35 मिनट की ही वीडियो रखते हैं, 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। चलेगा, एक प्यारा सा प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, आज शादियाँ बहुत हैं, 9 तारीख है, मैं समझ रहा हूँ बहुत सारी आज शादियाँ हैं, बच्चे इतने जुड़ नहीं पाएंगे, फिर भी जो भी जुड़े हुए हैं शादियों को त्याग कर देखेगा, पंच बहुभोज भोज के सभी अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3:4:5 है, एक सेकंड रुकना, 8 है, तो सबसे छोटे कर्ण का मान क्या होगा? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिएगा। पंच बहुभुज के सभी अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3:4 1:2:3:4:8 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, देखता हूँ कौन कौन कर पाता है, कौन कौन जवाब दे पाता है, प्रतीक्षा में हूँ, जवाब दीजिएगा, प्रतीक्षा में हूँ, जवाब दीजिएगा। चलेगा, पंच बहुभुज के सभी अंतः कोणों का अनुपात 1:2:3:4:8 है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंच बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 540। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मैं बार बार कहूँगा, जिस आकृति के अंतः कोणों का अनुपात दिया होता है उसके सबसे पहले अंतः कोणों का योग लिखो, तो अंतः कोणों का योग, अब जैसे कि तीन भुजाओं की आकृति होती तो अंतः कोणों का योग 180 होता है, चार भुजाओं की आकृति होती तो अंतः कोणों का योग 360 होता है, पांच भुजाओं की आकृति है तो अंतः कोणों का योग 540 होता है। बहुत से विद्यार्थियों ने 360 से कर दिया है, जो गलत है। अगर छह की होती तो 720 होता। अगर बाय द वे आपके इस प्रकार से और भी एंगल दिए होते, मेरी बात को बड़े आसानी से समझ लें और देख लें, समझ लें और देख लें, कहीं कोई बात नहीं है। यदि बाय द वे और भी एंगल दिए होते तो देखिएगा कैसे करते हैं, एक सेकंड, ये लीजिएगा, अभी मैं दे दूंगा, बता दूंगा। तो आप पहले इसमें एक्स लगा लें, चाहे तो, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं है, एक्स लगा लें, योग दिया है तो जोड़ दो, 8 4 12 3 15 2 17 1 18, तो 18x = 540, यानी कि अंतः कोणों का योग दिया है तो आपने इनको जोड़ के बराबर कर दिया, 18 3 54, 18 3 54 30 बच्चा एक्स बराबर। मैं बार बार कहूंगा, जो विद्यार्थी अभी तक जुड़े हुए हैं ना, और जो विद्यार्थी चले गए, उनका नुकसान क्या है?
कि अगर इस प्रकार से अनुपात दिया होगा तो वास्तविकता में वो 360 के बराबर करेंगे, क्योंकि अभी तक हमको जो पढ़ा है ना कि अंता कोणों का योग दिया है, तो हमें तो ये पता है कि तीन भुजाओं की आकृति है, त्रिभुज है तो 180, चतुर्भुज है तो 360, यानी कि चतुर्भुज के बाद कितनी भी बड़ी आकृति हो अंता कोणों का योग 360 ही होता है। पर वो गलत है, नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। हाँ, बाह कोणों का योग 360 होता है। तो x का मान आ गया 30, यहां रखोगे तो आपका आएगा 30, सबसे छोटा कोण। बड़ा निकालना होता तो यहां रख देते 8 × 30, 8 × 3 = 24, 240। ये आपका इस प्रकार से आज की क्लास का अंतिम प्रश्न जो आपके सामने लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि किसी आकृति के कोणों का अनुपात 1:2:3:4:5:9 है। उसने ये नहीं कहा कि 6 भुजाओं की है, 5 भुजाओं की है, उसने तो ये कहा है कि किसी आकृति के कोणों का अनुपात ये है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा, सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि इसमें भुजा कितनी है, परंतु आपको खुद को समझना है कि अगर इसमें 6 कोण हैं तो भुजा कितनी होंगी, 6। अगर इसमें 6 कोण हैं तो भुजाएं कितनी होंगी, 6। आपको मैं ये रब कर देता हूं और आपको एक बात और बता देता हूं कि 6 भुजाओं की आकृति के अंता कोणों का योग 720 होता है। दोबारा प्रश्न रिपीट करूंगा, किसी आकृति के अंता कोणों का अनुपात 1:2:3:4:5:9 है, तो बताइए सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। आपको खुद को ये पहचानना है कि भुजाएं वो कोण दिए हैं 6, तो भुजाएं कितनी दी होंगी, 6 ही होंगी। कोण दिए हैं 6, तो भुजाएं भी 6 ही होंगी। ठीक है, करिए। देखिएगा, करिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूं। आप इसमें एक्स लगा सकते हो सभी में, आप 360 से नहीं करना है, आपको हर प्रश्न समझ गए। करिएगा, जोड़ूं 9 और 5 = 14, 18 और 2 = 24 हो रहा है, 24x = 720, तो x = 720/24, 24 × 72 दिया गया। अगर आप इसका मान निकालोगे तो x का मान रखोगे यहाँ पे 30 और 9 × 3 = 27, 270, अर्थात सबसे बड़ा कोण होगा 270। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये क्लास कैसी लगी, हाँ कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपको अपने अनुसार कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करवाना है जो आप पढ़ना चाहते हो, उसे भी आप कमेंट में कह सकते हो, बोल सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी देख रहे हैं या जो भी देख चुके हैं, तो जो भी अभी आए हैं चैनल पे या आने वाले हैं, वो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, सेम सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की क्लास में यहाँ तक रहूँगा। जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।